Hey, what's up guys, Ron is here and welcome back to my channel Ron Gaming. तो एक और व्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। मैं जा रहा हूँ बाहर अपने फ्रेंड के छोटे बेटे की, एक साल का हो गया है वो, उसकी बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। पार्टी में एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, मजे करेंगे। आज बारिश हुई थी यहाँ पर, तो बारिश की वजह से रोड वगैरह गीले थोड़े से, बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे चल रही है। मैं जा रहा हूँ अभी पार्टी में, तो आप लोग इन्जॉय करोगे इस वीडियो, सीधा मिलते हैं पार्टी में। बीच में मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है अभी रात को, और थोड़ा सा रात का टाइम होने वाला है, नाइट होने वाली है। तो मिलते हैं पार्टी में गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर जहाँ पे पार्टी रखी हुई है, और ये जगह हम एंटर कर रहे हैं अभी। बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पर, फाउंटेन वगैरह, ये बैठने की जगह है नीचे, यहाँ पे बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं। लेकिन आज बारिश हुई इसकी वजह से ये सब ब्लॉक है, क्योंकि ये सब गीला हो चुका है। यहाँ पर साफ करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती जा रही है, तो मुझे लग नहीं रहा हम यहाँ पे बैठ के खाना खा पाएंगे। और सामने भी बर्थडे पार्टी चल रही है वहाँ पर किसी और की, तो यहाँ पर दो तीन जगह पे, अलग अलग जगह पे हम पार्टी कर सकते हैं, ऐसी जगह है पूरी। और फाउंटेन वगैरह बहुत ही मस्त है यहाँ पे बैठ के। हमने ये जगह बुकिंग करवाई थी मेरे फ्रेंड ने, लेकिन ये बारिश की वजह से सब गीला हो चुका है, यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे अभी। तो अब हम अंदर की तरफ, इस तरफ जाएंगे, वहाँ पर ये जो जगह है अंदर, वहाँ पर अभी हम पार्टी मतलब खाना खाने वगैरह जाएंगे। लेकिन पार्टी थोड़ी सी उस तरफ है, वहाँ पे उस तरफ जाके दिखा था। इस तरफ भी बहुत ही मस्त जगह है पूरी। तो बारिश गिरी थी इसकी वजह से सब गीला हो चुका है यहाँ पे। ये भी बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ पे भी बैठने की जगह है कुछ कुछ जगह पे। सामने एक और फाउंटेन है छोटा वाला, और ये मस्त तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है सब कुछ। पर बारिश अभी चालू बंद हो रही है, हमें शायद भागना भी पड़ सकता है थोड़ी देर में। ये फाउंटेन बहुत ही मस्त बनाया हुआ है, और यहाँ पे बैठने की जगह है लेकिन गीला हो चुका है सब कुछ, तो बैठ भी नहीं सकते हम लोग अभी। तो ये रही केक, बर्थडे केक, एक साल का हो चुका है, वन ईयर वाली कैंडल लगाई हुई है, बहुत ही मस्त केक बनवाई है, बहुत ही सुपर, और डेकोरेशन वगैरह भी मस्त किया हुआ है। यहाँ पर पूरा ओपन एरिया है थोड़ा सा, अब केक कटिंग होने वाली है, तो आप लोग एंजॉय करो गाइस। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, एक साल का हो चुका है, मेरे साथ खेलने भी आता है, मैंने बहुत बार अपने साथ लेके खिलाया है। मेरे पास आता है तो जाता भी नहीं मेरे पास से, अपने घर पे वहीं पे रहता है। बहुत ही मस्त क्यूट बच्चा है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही प्यारा सा है गाइस। तो केक कटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम खाने आ चुके हैं यहाँ पर अंदर की तरफ। बहुत ही मस्त जगह है, अंदर से लुक वगैरह, और एसी फुल चालू किए हुए हैं, बारिश हुई थी अभी लेकिन एसी भी फुल चालू करके रखे हैं यहाँ पर। और ये सब सलाद वगैरह रखा हुआ है, टोस्ट वगैरह सूप के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये सब यहाँ पर सब रेडी कर रहे है, तो अब हम लोग खाना एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखा दूंगा, थोड़े थोड़े से शेफ स्नैपशॉट वगैरह ले लेके। खाना कंप्लीट हो चुका है, देखो मोटू पेट फिर से एक और बार। पिछली बार के व्लॉग में हमने दिखाया था ये मोटू पेट, फिर से खा के मोटू हो गया है। ओके गाइस, तो पार्टी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत मजे की हमने, खाना भी बहुत ही मस्त था। अब हम जा रहे हैं घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए। वैसे तो एक ही सेकेंड में दूसरा व्लॉग चालू हो जाएगा, तो वापस आ चुके हैं, नया दिन मतलब रात, फिर से रात। हम जा रहे हैं नवरात्रि में गरबा देखने के लिए, बहुत ही मस्त जगह पे, बहुत ही बड़ी जगह है यहाँ पे गांधीनगर, बहुत सारी अलग अलग जगह पे होते हैं ऐसे गरबा, बहुत भीड़ होते हैं यहाँ पे गाइस। तो हम अभी कल्चरल फोरम में जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही सुपर बड़ी जगह है, ये हमारे पास है ढेर सारे, तो चार लोग हैं, घूमने आए, मस्त मजे करेंगे अंदर जाके आप लोग। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ कुछ जगह पे म्यूट रखा है,
ताकि कॉपीराइट वगैरह ना लगे, कुछ कुछ जगह मैंने रखा हुआ है तो आप लोगों को सुनाई देगी आवाज़ वगैरह, म्यूजिक वगैरह, इंजॉय करना गाइस। तो अब हम बाहर आ चुके, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। तो ये वाला आइसक्रीम हमने ऑर्डर किया बहुत ही मस्त। अब हम घर पे आ चुके हैं गाइस और एक सुपर चीज आई है, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोग देखो बहुत ही डेंजर चीज है, वैसे छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, और ये खिलौना भी नहीं है, थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है ये। तो ये सिर्फ एम प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज होता है, सरप्राइज चीज। ये देखो एयर पिस्तौल। तो मैंने एयर पिस्तौल ऑर्डर की थी, ये मैंने शायद 6,500 या 7,000 में कुछ ऑर्डर किया था। ये आ चुकी गन आज, और मैंने सिर्फ फन के लिए एम प्रैक्टिस के लिए ऑर्डर किया गाइस, डेंजरस चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे इससे। आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या चीज़ें करने वाले हैं हम। फन चीज़ें, बहुत ही मस्त मस्त, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। तो ये रही गन हमारी, बहुत ही मस्त दिख रही है वैसे तो देखने में, और वेट भी काफी हैवी गन है वैसे, ओरिजिनल टाइप लग रही है पूरी, बहुत ही डेंजर लग रही है वैसे, हैवी गन पूरी। और ये उसकी बुलेट्स वगैरह है, ये 0.1777 की, तो ये इसको रखने के लिए हमें लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और ये उसके छरी वगैरह है कुछ, तो हम ओपन करते हैं अब। तो वाओ, काफी ओरिजिनल टाइप की लग रही है, हैवी है काफी, और पूरी मेटल की बनी हुई है। टेलेंग का एयर पिस्तौल 0.7177 कैलिबर की है ये, और थोड़ी सी डेंजरस है तो काफी संभाल के यूज करना होता है इसको, हम कुछ भी डेंजर चीज के लिए यूज नहीं करेंगे इसका, बस मैं कुछ फन चीजें करने वाला हूँ इसके साथ। तो आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगा वो, जब हम वो व्लॉग बनाएंगे नेक्स्ट, शायद हाउस टूर वगैरह होगा उसमें, देखते हैं। यहाँ पर अभी साफ सफाई चल रही है मेरे घर पे, तो ज़्यादा मैं अभी रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब सब हो जाएगा अच्छे से फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा उसके साथ साथ, बहुत ही फन चीज़ें करेंगे इसके साथ गाइस। तो ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिस एक एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ फायर करके दोनों चीज़ से। तो ये जो 0.7777 कैलिबर के यहाँ पर डालना है, ये लॉक कर दिया है, फायर के लिए रेडी है, मैंने लोड करके रखा है, तो फायर किया तो यहाँ पर छेद बन गया है छोटू सा, पर एक ही ये यहाँ पर जो ये था उसको एक ही बार छेद कर पाई, वहाँ से दूसरी तरफ से निकल नहीं पाई अंदर था वो। और ये भी बीबी बुलेट से, जो कि मेटल की है ये, इससे भी हम ट्राई करते हैं एक साथ 18 ये मेटल बुलेट अंदर डाल सकते हैं, एक एक करके हम फायर कर सकते हैं इसको, वो भी फायर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें सेफ्टी फीचर भी दिया हुआ है, मैंने अभी सेफ्टी अनलॉक किया जस्ट। तो ये भी सेम गाइस, एक ही बार छेद कर पाता है इसके अंदर, पीछे से बाहर नहीं निकलता है।